काका सुनिए तो, कहीं हमारे पशुओं की इस दशा का कारण उस मैदान की घास और उस नदी का जल तो नहीं है? मुझे लगता है कि हमें हमारी गायों के लिए अंजल की व्यवस्था किसी और स्थान से करनी चाहिए। नहीं काना, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हम तुम्हारी कोई बात नहीं मान सकते। तुम्हारे कहे में आकर हमने पंडित जी की बात नहीं मानी, यदि उनका कहना माना होता तो आज हमारी ये विपत्ति ठीक हो गई होती। किंतु भैया मनभर, क्या उस पंडित के कहे में आकर हम में से किसी एक को अपने प्राणों की आहुति नहीं देनी पड़ती? कान्हा सदैव हमारे साथ रहता है, हमें उसकी बात माननी चाहिए। कुछ दिन के लिए हम गायों के जल और अन्न की व्यवस्था किसी और स्थान पर कर देंगे। हम सब इस गड्ढे में गिर गए और तुम हंस रहे हो। मैंने तुम सबसे प्रतिशोध लिया है। तुम सब मैया से मेरी शिकायत करते हो ना, अब पड़े रहो इस गड्ढे में। और मानो इस उदंड की बात जिसने हमें जानबूझकर इस मार्ग से भेजा है ताकि हम इस गड्ढे में गिर जाएं। मूर्खो, तुम सबके लिए यही उचित स्थान है। काना, तुमने हम सबका विश्वास तोड़ा है। काना, हमें इस गड्ढे से निकालो। बचाओ, बचाओ। अरे राधा बिटिया, हमें बाहर निकालो। बचाओ राधा बिटिया हमें। सत्यों, ये तो हमारे गांव के ग्वाले हैं, आप यहाँ पर कैसे फंस गए? कृष्णा की वजह से। अच्छा रुकिए, मैं शीघ्र किसी को बुलाकर लाती हूँ। सुनिए, कोई है? साथियों, यहाँ भी सर पे। कोई हमारी सहायता करो। घबराओ मत साथियों, वो रहा मार, मेरी सहायता करो मुझे ऊपर चढ़ाने में। हाँ।